नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के पात्र आपका स्वागत करता हूँ अपने स्किन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमारी एक सीरीज चल रही थी जो कि पोषण की कमी से होने वाले समस्त त्वचा रोगों के बारे में मैंने बताया था कि वे हमें किन कारण से होते हैं, उनका क्या लक्षण होता है और उनका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने फाइनोडर्मा के बारे में जानेंगे जो कि त्वचा में पीप का पड़ना होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर पर किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं उसके त्वचा पर मवाद पड़ जाता है। तो दोस्तों, त्वचा पर जो मवाद पड़ता है उसको हम फाइबोडर्मा कहते हैं। दोस्तों, ये हमारी बॉडी पर किस कारण से होता है और यह कितने प्रकार का होता है, आज हम अपनी इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यह फाइनोडर्मा गर्मियों, वर्षा एवं चौमासे की ऋतुओं में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, फाइनोडर्मा मुख्यतः दो जीवाणुओं के कारण होता है। नंबर पहला जीवाणु है स्टेफिलोकोकस ऑरियस और दूसरा जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। दोस्तों, इन जीवाणुओं के अलावा कुछ दूसरे कारण भी हमारी त्वचा में पीप का पड़ना हो सकता है। दोस्तों, अगर नॉर्मल स्किन पर पायोजेनिक संक्रमण हो जाए तब प्राइमरी फाइबोडर्मा होता है, और अगर किसी बीमारी जैसे मधुमेह, कैंसर या किसी चोट के लगने पर अगर उसमें मवाद पड़ता है तो इसे हम सेकेंडरी फाइबोडर्मा कहते हैं। दोस्तों, आज हमने फाइबोडर्मा के बारे में जाना कि ये हमें किस कारण से होता है और ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, आज हमने फाइबोडर्मा के सिर्फ कारण और उसके प्रकार के बारे में जाना। तो दोस्तों, इन जीवाणुओं के द्वारा हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये हमें किन किन कारणों से होती है, इनके क्या लक्षण होंगे और इनका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, कल यानी कि आने वाली हमारी जो वीडियो रहेगी वो हमारी फाइबोडर्मा के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, उसका नाम हमारा इम्पेटिगो कंटाजियोसा रहेगा। तो दोस्तों, इम्पेटिगो कंटाजियोसा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये हमें किन कारण से होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको फाइबोडर्मा के बारे में बताया था, तो कल हम इससे क्या क्या और कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बस दोस्तों, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो फाइबोडर्मा से होने वाली बीमारी इम्पेटिगो कॉन्टेजियोसा का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी ही त्वचा से संबंधित बीमारियों के बारे में जानने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।